जय हिंद क्लासिक्स। कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 3D चैप्टर को, ठीक है। होल नंबर जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसको कंटिन्यू करते हैं और हम इस एक्सरसाइज में 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरीके से हमने किया है सेम वही तरीका, वही प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने में लगाएंगे। तो जैसा आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 5 वाला पूरा क्वेश्चन, वैसे ही 6 भी सॉल्व करेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है फाइंड द प्रोडक्ट, इसको भी आप प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, वैसे इसमें कुछ आने वाली चीज़ है नहीं, मतलब नहीं आने वाली कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, सब आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 8 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर। क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर, 3-डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का एंड द लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर, और 5-डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट लिखेंगे द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर इक्वल टू, लिखेंगे द लार्जेस्ट 3-डिजिट, लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर इक्वल टू, 3-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999, फिर 5-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5-डिजिट इक्वल टू 5 times 9, पता है ये 5 times 9, द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर इज 999, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5-डिजिट इज 5 times 9, ये तो क्लियर है इतना। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, सो देयर प्रोडक्ट इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 999 इंटू 5 times 9। अब इसको मल्टीप्लाई करने चलोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉ का यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा है, यानी लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाला जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। तो देखिए 999, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब देखिए 5-डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर है, 5-डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो उस 5-डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को हम किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 6-डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर ले लें, 6-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लें और उसमें से 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा 5-डिजिट का। 6-डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से 1 को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 5-डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 999 एक ब्रैकेट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको तो सॉल्व कर लोगे, अब 999 और ये 0 हो गया यहाँ पे, -999 हो गया सॉल्व। अब माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर आप बताइए, माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आप आंसर बताइए मुझे कि कितना यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके बताओ कि कितना आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
तो आंसर बताइएगा, फिर देखूंगा मैं कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये क्लियर सॉल्व हो जाएगा। 9 कह रहा है अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। सिंपल है, कह रहा है कार है जो कि मूव कर रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 आवर में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 घंटे में 75 किलोमीटर दूर वो जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 98 घंटों में वो कितना दूर यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस तक चला जाएगा, कितना दूर चला जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो चलिए आइए देखते हैं, इसको इरेज किया जाए। फर्स्ट लाइन लिखते हैं, अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। सो द डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, इक्वल टू, तो 98 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना दूर जाएगा, तो 1 आवर का गिवन है, 98 आवर्स का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 98, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकालना है तो किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, ये स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर दें, 75 इनटू इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 75 इंटू 100 एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, माइनस 75 इंटू 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं करने आ रहा है, नहीं सीख पा रहे हो कि कैसे करते हैं, कमेंट कैसे बताते हैं, तो देखो यूट्यूब पे ही तुम्हें मिल जाएगा कि किस तरीके से कमेंट करते हैं। देखोगे नीचे लिखा होगा, ठीक है, डायनेमिक ट्यूटोरियल जो है उसके नीचे लिखा होगा कमेंट, ठीक है, डायनेमिक ट्यूटोरियल लिखा है उसके नीचे लिखा होगा कमेंट, बस उस कमेंट पे क्लिक करना, उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, फिर वहां से तुम टाइप करके बता सकते हो। ठीक है, तो 75 इंटू 100 ये हो गया, ये इसको सॉल्व करके अब जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो आप बताइएगा इस तरीके से, ठीक, डायनेमिक ट्यूटोरियल्स लिखा है उसके नीचे लिखा होगा कमेंट, ठीक है, कमेंट लिखा बस उसी कमेंट वाले को क्लिक करिए खुल जाएगा। ठीक है, ऐड कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, और डीलर परचेज्ड 139 VCRs, पहले के समय में चलता था, अब तो नहीं है, तो 139 VCRs उसने खरीदा, जैसे CD DVD देखियो तो उसमें भी फिल्म वगैरह इस तरीके से रिकॉर्ड होती थी, तो खैर वो अलग ही था, चौकोर टाइप का था VCR, तो 139 VCR उसने खरीदा। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज रुपीज 24,350, कह रहा है कि VCR प्लेयर मेरे ख्याल से खरीदा ये, तो VCR प्लेयर खरीदा है, तो कह रहा है कि 1 VCR प्लेयर का जो कॉस्ट है वो है 24,350 रुपीज़, ये कॉस्ट है 1 VCR का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट टुगेदर, तो 139 सबका निकालना एक साथ कितना होगा।
वन का दिया है, 139 का पूछ रहा है, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं, इरेज किया जाए इसको। बताना जरूर, भूलना मत भाई, आंसर बताना, ठीक है, आंसर बताना जरूर कि कितना आ रहा है। तो चलिए देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ वी सी आर्स कितना है भाई, 139। कॉस्ट ऑफ वन वी सी आर, कॉस्ट ऑफ वन वी सी आर इज रुपीज 24350। एक वी सी आर का कॉस्ट इतना है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 139 वी सी आर्स इक्वल टू, टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा ये हमें पता करना है, टोटल कितना कॉस्ट होगा 139 वी सी आर्स का, तो रुपीज 24350 मल्टीप्लाइड बाई 139 ये हो जाएगा, ये होगा, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा लंबा तोड़ते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई 139 है, 139 ठीक है, तो 139 को इस तरीके से करते हैं 100 + 30 + 9 ठीक है। अब ऐसे क्या है कि देखो 100 का तो तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 24350 पहले मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक, फिर प्लस, फिर इसी का मल्टीप्लाई, यानी 24350 इसका मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, ठीक, फिर प्लस इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24350 मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, ठीक है। वैसे भी करोगे तो पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 के साथ, फिर 1 के साथ, तो उसी को हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब जब यहाँ करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो सिंपल है, 24350 और 20 यहाँ आ जाना है, ये हो गया। अब यहाँ करोगे तो 3 के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 0 0, 35 15 का 5 कैरी 1, 33 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 34 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 32 6 प्लस 1 7, और ये 10 ये बचा हुआ 10 यहाँ आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भी। अब इसको करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हो तो 90 जा हो गया 0, 95 45 का 5 कैरी 4 हो गया, 93 27, 27 और 4 31 का 1 कैरी 3 हो गया, 94 36, 36 और 3 हो गया 39 का 9 कैरी 3, 92 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, तो 219150 ये हो गया। अब इन तीनों को आप तो प्लस कर ही लोगे भाई, प्लस तो कर रहा आता ही आपको, सिंपल है, प्लस करके मुझे बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, प्लस करके जरा बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, फटाक से प्लस करके तुरंत बताइए कितना आंसर आ रहा है, तुरंत फट से प्लस करो, कितना है यहाँ पे देखो 000, ये तो तुरंत हो जाएगा, फिर 500 ये भी हो गया, फिर 150, तो फट से तुरंत ऐसे ही फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, ओके। तो ये हो गया सॉल्व, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अ हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेज, एक हाउसिंग सोसाइटी है जैसे रुद्रा है, ठीक है, तो वो सब बनाते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं और फिर बेचते हैं वगैरह, तो जो हाउसिंग सोसाइटी एक है, कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेस, उन्होंने 197 हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस इज 4,50,000, अच्छा कह रहा है कि अगर एक घर को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में 4,50,000 रुपये आ रहा है, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेस, ठीक है, तो 197 हाउसेस है तो टोटल कितना खर्चा आया होगा ये पता करना है, टोटल कितना मनी लगा होगा, पैसा लगा होगा, ठीक है, चलिए पता करते हैं।
ओके इरेज किया जाए पहले इसको, बताना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, भूलना मत। देखिए टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितना है भाई, 197। कॉस्ट ऑफ ईच हाउस कितना है, 450,000। 450,000 ठीक है। सो द टोटल कॉस्ट, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 197 हाउसेस इक्वल टू, टोटल 197 हाउसेस का कॉस्ट कितना है, तो 450,000 तो आपका ये है ही, मल्टीप्लाई कर देते हैं 197 से और आंसर आपका रुपीज़ में आएगा, ठीक है भाई। तो 45 ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 200 में से अगर 3 को माइनस कर दे तो 197 में हो जाएगा। अब रुपीज़ इसको सॉल्व करते हैं तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 200 ये हो जाएगा माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, क्लियर। अब रुपीज़ का साइन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 45 दूरी 90 हो गया। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 ये हो गया भाई, क्लियर। माइनस क्या माइनस करना है, अब 45 90 कितना हो जाएगा, 5 3 15 ठीक है, 5 3 15 हो गया, या 3 5 15 और 4 3 12 प्लस 1 ठीक है, ठीक है ना, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 135 135 हो गया। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 ये है। अब माइनस करना है तो माइनस करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है, माइनस करिए और बताइए फट से कितना आंसर आ रहा है। देखो ये चार जीरो तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं भागेगा, ठीक है, ये चार जीरो रहेगा। माइनस कहाँ से करना, ये 5 है ये 0 है, 3 है ये 0 है, 1 है ये 0 है। अब यहाँ से माइनस करना है तो फट से माइनस करो और बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, कमेंट कर देना, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कह रहा है, 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, ऐसे ब्लैक बोर्ड भी होता है, तो 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड्स को परचेज किया गया, ठीक है, स्कूल के द्वारा, स्कूल ने परचेज किया, खरीदा। इफ ईच चेयर कॉस्ट रुपीज 1065, कह रहा है कि अगर एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 1065 रुपये है, 1065 1065 रुपये है, एंड ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट रुपीज, और ईच एक ब्लैक बोर्ड का अगर कॉस्ट देखें तो 1645 यानी 1645 रुपये। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो कितने का बिल आया होगा स्कूल के पास, कितने का बिल आया होगा ये पता करना है। तो चलिए पता करते हैं कितने का बिल है, इरेज किया जाए पहले इसको, आंसर बताना, ठीक है, आंसर बताना कितना आ रहा है भाई, आंसर बताइएगा। चलिए हाउस 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ चेयर्स कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स या नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स हो गया, और फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। नंबर ऑफ चेयर है 50, कॉस्ट है आपका कितना भाई, चेयर का कॉस्ट है 1065, ठीक है। सो टोटल
यही निकाल लेते ना, यही फाइंड कर लेते। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स का टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा यही निकाल लेते, एक एक को सॉल्व करते चलते। चेयर का पूरा हटा देते हैं, इसके बाद ब्लैक बोर्ड का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपका 1065, 1065 गुणे 50, 1065 गुणे यानी 1065 मल्टीप्लाइड बाई 50 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें सिंपल है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से जीरो को भी छोड़ के 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 6 30, 30 प्लस 2, 32 का 2 कैरी 3, 3 और 0 3 हो गया, 5 1 5 हो गया। अब यहाँ जो 0 रखे थे यहाँ पे ला के रख दिया आपने, तो मल्टीप्लाई किया आया 5 3 2 5 0, ये आ गया टोटल कॉस्ट 50 चेयर्स का। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड, नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स कितने हैं, 30 ब्लैक बोर्ड्स हैं। कॉस्ट ऑफ ईच ब्लैक बोर्ड, ईच ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट कितना है, 1645, ये था 1645, 1645 ये था। अब हम क्या निकालेंगे, सो टोटल कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, 30 ब्लैक बोर्ड्स का टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम 30 ब्लैक बोर्ड्स का, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रुपीज 1645, ठीक है, 1645 मल्टीप्लाइड बाय 30, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 3 6 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, और ये एक 0 बचा यहाँ रख दिया, क्या आ गया भाई, 49350, ये आ गया 30 ब्लैक बोर्ड्स का कॉस्ट। अब हमें बिल निकालना है टोटल, कि ये 50 चेयर 50 चेयर ये 30 ब्लैक बोर्ड ये, टोटल सबका मिला के कितना मनी हुआ, और बिल जाके थमा देना है स्कूल को। तो फाइंड क्या करना था, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, सो या हैंस द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल क्या राइट करेंगे, ये कैसे के खत्म हो गई, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ तक तो देख लो भाई, समझ लो, नोट कर लो, ठीक है, इरेज करते हैं अब। अरे ये क्या कर दिया, अब तो फिर से करना पड़ेगा, देखो हैंस द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, हैंस द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इक्वल टू, अब देखो क्या कर रहा है, हम तो इरेज कर दिए हैं, तुम लोग लिखे होगे कॉपी में, करना क्या है देखो, टोटल अमाउंट निकालना था, तो 50 चेयर्स का जो कॉस्ट आया है टोटल 50 चेयर्स का जो कॉस्ट है वो, प्लस 30 चेयर्स का जो कॉस्ट आया है वो, ठीक, 30 ब्लैक बोर्ड्स का, 50 चेयर्स और 30 ब्लैक बोर्ड्स का जो कॉस्ट है दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। अब प्लस करके बताओगे कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि हम तो इरेज कर दिए हैं, ठीक है, डाटा इरेज कर दिए हैं, तुम्हारे पास कॉपी में है, तो तुरंत प्लस करो और प्लस करके बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है, बताइए प्लस करके, आगे बढ़ते हैं, बता देना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है फिर खत्म हो जाएगा ये। देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल, क्लास 6 में 6 सेक्शंस हैं, ठीक है, क्लास 6 में 6 सेक्शंस हैं, एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, अच्छा 6 सेक्शंस हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये 6 सेक्शंस हैं आपके पास, और कह रहा है ईच सेक्शन, एक सेक्शन में 45 स्टूडेंट है, तो 45 इसमें, 45 इसमें, 45 इसमें, 45 इसमें, 45 इसमें और 45 इसमें, सब में 45 45 45 हैं। इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट रुपीज 1650 रुपये, यानी 1650, कह रहा है अगर एक स्टूडेंट से हम
1650 रुपीस चार्ज करते हैं पर मंथ, पर मंथ चार्ज करते हैं, समझ रहे हो। 45 स्टूडेंट एक सेक्शन में है और 6 सेक्शंस हैं, और अगर हम एक स्टूडेंट से 1650 रुपीस चार्ज करते हैं, इतना लेते हैं पर मंथ, पर मंथ यानी कि मंथली फीस समझ लो, इतना फीस अगर हम लेते हैं एक बच्चे से, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास सिक्स, तो क्लास सिक्स से टोटल कितना पैसा या टोटल कितना फीस, एक महीने में टोटल कितना मनी जो है वो आ जाता होगा, एक महीने में कितना मनी आ जाता है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेट करते हैं और पता लगाते हैं कि कितना आ रहा है। इसका बता देना भाई, इसका बता देना, ठीक है, इसका आंसर बताना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ क्लास सिक्स इज, कितना सेक्शन है, सिक्स का सिक्स सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इक्वल टू 45, ठीक। इसके बाद निकालेंगे सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स, क्लास सिक्स में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, तो सिक्स सेक्शन है, वन सेक्शन में 45 स्टूडेंट है, तो सिक्स सेक्शन में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 या 30 का 0, कैरी 3, 6 4 या 24 और 3 27 270, ठीक है, 270 हो गया। अब क्या कह रहा है, हाँ मंथली चार्जेस ले रहा है, सिंस द मंथली फीस लिख लो ना, मंथली फीस इज इक्वल टू कितना है, 1650 रुपये, 1650 रुपये मंथली फीस है। फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन, सो या हैंस लिख दो, हैंस द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास सिक्स, सिक्स से टोटल कितना मंथली कलेक्शन हो जाएगा सिक्स से, तो कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 270 टोटल बच्चे हैं, और 1650 ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे 270 बच्चों का, तो हमें पता चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ करते हैं, 1650 मल्टीप्लाइड बाई, अब 270 को तोड़ दें, 200 प्लस 70 में तोड़ देते हैं, 200 प्लस 70 इसमें ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, पहले 1650 को 200 से मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद प्लस 1650 को 70 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में 1 जीरो लगा दीजिए। चलो देखो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 जीरो जा जीरो हो गया यहाँ पे, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, दो जीरो बचा है यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे रख दिया, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो छोड़ दो अभी, 7 का मल्टीप्लाई, 7 जीरो से जीरो हो गया, 7 5 जो 35 का 5 कैरी 3 हो गया, 7 6 जो 42 और 3 45 का 5 कैरी 4 हो गया, 7 1 जो 7 और 7 और 4 करेंगे तो कितना आएगा, 11, 11550 और 1 जीरो जो बचा था वो ला के यहाँ रख दिया, तो क्या आया भाई, इसको मल्टीप्लाई करने भाई, 330000 प्लस 115500, अब आपको प्लस करके ये बताना है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है,
आपको प्लस करके बताना है कि टोटल कितना मंथली कलेक्शन, एक महीने में कितना कलेक्शन होता है क्लासिक से, मंथली कलेक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 14 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, व्हाट डू यू कंक्लूड। अच्छा भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको हटा दिया जाए, हटा दें, इरेज कर दें, क्लियर है, आंसर बताइएगा प्लीज। ओके चलिए, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, ठीक है, यही लिख देते हैं पहले, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, अच्छा भाई दो होल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो जीरो आना चाहिए, तो हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, किसी भी होल नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई कराते हैं, या फिर जीरो में किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो मिलता है, यही होता है, यही हमने पढ़ा है, यही जाना है, यही समझा है, समझा है ना, ठीक। तो अब जब हमने समझ लिया ये बात कि किसी भी नंबर में, ठीक है, जीरो का मल्टीप्लाई करिए या जीरो में किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करिए तो आपको जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक नंबर जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टू नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसमें से एक नंबर जीरो होगा ही होगा, चाहे फर्स्ट नंबर जीरो हो या सेकंड नंबर, यानी कि एक नंबर जीरो होना निश्चित है, तभी आपको जीरो मिलेगा। यही इससे सीख मिल रहा है, यही हम इससे समझ पा रहे हैं कि एक ना एक नंबर जीरो होना ही चाहिए, तो हम लिखेंगे हेंस वन ऑफ द नंबर मस्ट बी जीरो, यानी कि वन ऑफ द नंबर, यानी दो में से कोई भी एक नंबर जीरो होना निश्चित, ठप्पा लगा दो, निश्चित है। ये हो गया 14, 15 आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एंड डैश नंबर्स, सम ऑफ टू ऑड नंबर इस डैश नंबर, बताओ क्या होता है सम ऑफ टू ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की बात करें तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो ऑड ये भी है, ऑड ये भी है, और ये आता है 8, ये इवन है, ठीक है। 7 और 5 की बात करें तो ऑड ये भी है, ऑड ये भी है, ये इवन है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, इवन। दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज एन डैश, दो ऑड नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो भाई ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 3 × 5 करते हैं, ऑड है, ऑड है, तो 3 × 5 = 15, ये भी ऑड है, 3 × 7 करते हैं, ऑड है, ऑड है, 3 × 7 = 21, 21 भी ऑड है, ठीक है, 7 × 5 करते हैं, 7 भी ऑड है, ऑड है, 7 × 5 क्या होता है 45, ये भी ऑड है। तो कहने का मतलब ये है, इतना कैलकुलेट किया, इससे हमें ये समझ में आ गया कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिल रहा है, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट किया, ऑड नंबर मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, ओके, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कह रहा है कि ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक,
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है, ये ए जीरो नहीं है, एंड एंड ये कह रहा है कि ए इंटू ए क्या मिल रहा है, ए, ए अगर जीरो नहीं है तो ए इंटू ए, ए मिल रहा है तो ए का वैल्यू बताइए क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है भाई, सिंपल है, देखो ना समझो, किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर मिले, किस नंबर का, किस एक नंबर का आपस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देखो ए इंटू ए है यानी जो भी नंबर लोगे उसी से मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो ले नहीं सकते, पहले इसने मना कर दिया कि जीरो नहीं लेना है भाई, होल नंबर जीरो से शुरू होता है तो जीरो नहीं लेना है, इसने बोल दिया है तो जीरो हटा दें, जीरो के बाद क्या आता है वन, जीरो के बाद वन आता है, तो वन जब आता है तो वन इंटू वन अगर हम करते हैं, वन इंटू वन, तो वन इंटू वन क्या मिलता है भाई, वन, वन इंटू वन करेंगे वन मिलेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि ए का वैल्यू क्या है, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज वन, ए का वैल्यू क्या है वन, तो चलिए भाई ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज 3D कंप्लीट होता है होल नंबर का, ठीक है, आपको पता है आपको कंप्लीट करना है, कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और जो भी 6 और 7 जो छूटा हुआ है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा, ओके, और कमेंट करके आंसर अपना ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके, जय हिंद।